ऋतुमोहन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ कमरक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं हम कमरक की वेजिटेबल कैसे बनती है। कमरक की वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने लिए एक कमरक, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने ली स्पाइसेस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये 1 टीस्पून सॉल्ट है, रेड चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, पतंजलि सब्जी मसाला और 1 चम्मच चीनी ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते। डालेंगे तो वेजिटेबल बहुत अच्छी बनेगी। अब हम कमरक को काट लेते हैं। इसके बीच में जो बीज लगे हुए हैं इसको हम निकाल देंगे, इसकी सीड्स को, ये सीड्स हम निकाल देंगे। ये मैंने इस यूज़ करने से पहले कमरक को अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको बहुत पतला नहीं काटना क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। सीड्स निकाल लेंगे सारी। बाकी कमरक भी हम ऐसे ही काट लेंगे। हमारी वेजिटेबल कट के रेडी है, सब मैंने इनको कट कर लिया है। देखिए अब हम इसको बना लेते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। सॉल्ट डालेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, पतंजलि सब्जी मसाला, में हम जो चीनी डालेंगे वो हम लास्ट में डालेंगे। और ये कमरक जो है बिल्कुल बहुत सार टेस्ट के होते हैं, जैसे इमली होती है ना, इसी तरह से ये कमरक बिल्कुल सार टेस्ट के होते हैं। इसमें हमारे स्पाइस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पाँच से 10 मिनट में हमारी वेजिटेबल कुक हो जाएगी, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। वेजिटेबल हमारी कुक हो गई है, हम इसको ऐसे देख लेंगे। ये देखिए नीचे से हमने इसको करा तो इसके 2 पार्ट्स हो गए बड़े इजीली। हम इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं। हम चीनी को बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है,
हमारी चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और हम इसको निकालेंगे एक बोल में। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सभी लिंक्स पर जो कि मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज हिट लाइक कमेंट एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वेजिटेरियन रेसिपीज व्लॉग्स एंड माय शॉपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।